So in this video, we will discuss how to reduce your chest fat and belly fat within 1 week. तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फेस फैट 3 दिन में कैसे कम करें। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी? हाँ, 3 दिन में हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी ऐसी एक्सरसाइज है जो करके आप बस 5 दिन में अपना लव हैंडल कम कर सकते हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? जो कि होगा नहीं। अबे कट कर। सही में ऐसा होता है क्या भाई? तो आपको क्या लगता है, सही में ये सच बोल रहा है? ऐसा सही में होता है? तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको यही डाउट क्लियर करूंगा कि क्या आप 5 दिन में, 3 दिन में या 2 दिन में अपना कोई भी पर्टिकुलर बॉडी का फैट कम कर सकते हैं कि नहीं। Oh my God! Wow! तो चलिए गाइस ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जितने भी आपके फिटनेस फ्रीक फ्रेंड्स हैं या फिर जिन लोग 2 दिन, 5 दिन या 6 दिन में वेट कम कर रहे हैं, उनके साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। हाँ, लाइक किए बिना मत जाइएगा। तो आज टाइम में ओवरवेट या फिर मोटापा एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गया, जो हर एक 5 लोग में से 2 को तो होते ही होता है। उन सबको रहता है कि मैं क्या खाऊं, क्या पीऊं, मीन्स कैसे करूं कि मैं पतला हो जाऊं, मेरा मोटापा कम हो जाए। और इसका वजह से नेट पे भी या फिर काफ़ी वर्बली भी काफ़ी ज़्यादा मिसलीडिंग होता है। तो इस वीडियो में 5 ऐसा चीज़ बताऊँगा कि जो अगर आप वेट कम कर रहे हैं तो उसको ध्यान में रख के करना होगा। तो सबसे पहला डाउट और क्वेश्चन आता है कि कितने दिन में मेरा फैट कम होगा, मीन्स मैं कितने दिन पतला हो जाऊँगा। तो इसका जवाब डिपेंड करता है आप पे कि आपका बॉडी टाइप कैसा है, आपका डाइट कैसा है, आप डाइट प्रॉपरली ले रहे हो कि नहीं, आपका वर्कआउट कैसा है, इंटेंस वर्कआउट कर रहे हो या फिर जिम में बस सेल्फी लेने जा रहे हो, क्या आपका प्रॉपर रेस्ट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो इसका पूरा जवाब आपका खुद पे डिपेंड करता है। अगर आप प्रॉपर रहोगे तो आपको 2 मंथ 1 मंथ में भी रिज़ल्ट कुछ ना कुछ नोटिस होना चालू हो जाएगा। या फिर आप बस फिरकी लेने के लिए जिम जा रहे हो, नाम के लिए फैट लॉस कर रहे हो, तो 6 महीना करके भी कुछ भी आपका नहीं होगा। तो दूसरा डाउट आता है जो सबसे मिसलीडिंग डाउट रहता है, ऐसा वीडियो के स्टार्टिंग में भी देखा होगा कि वो बोल रहा है कि 2 दिन में कैसे फैट कम होगा, 5 दिन में कैसे फैट कम होगा, ये एक्सरसाइज करने से लव हैंडल कम हो जाएगा, क्या सही में ऐसा होता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। आप कोई भी पर्टिकुलर जगह फैट कम नहीं कर सकते हो। अगर आपका ओवरऑल बॉडी फैट परसेंटेज कम होगा तो वो जगह का फैट अपने आप कम हो जाएगा। जैसे अगर आपका ओवरऑल बॉडी में फैट ज़्यादा है तो आपका बेले में फैट या फिर चेस्ट में फैट या फेस में फैट ज़्यादा रहेगा, लेकिन ग्रेजुअली जैसे आप एक्सरसाइज करते हो, प्रॉपर डाइट लेते हो, आपका बॉडी फैट परसेंटेज कम होगा तो आपका जो पेट है वो भी धीरे धीरे अंदर होना चालू हो जाएगा, आपका लव हैंडल भी कम हो जाएगा। तो इसका मतलब है एक पर्टिकुलर जगह का फैट कम नहीं कर सकते हो। तो तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट डाउट आता है कि क्या खाए। क्या खाने से फिटनेस में ज़रूरी रहता है, कैसे खाए। जैसे आपको फैट लॉस करना है तो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रहेगा कैलोरी डेफिसिट। अगर आप कैलोरी डेफिसिट में नहीं रहोगे तो आप जो वर्कआउट कर लो या फिर जो कर लो, आपका फैट कम नहीं होगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है आपको कैलोरी डेफिसिट। और कैलोरी डेफिसिट क्या होता है, उसका मतलब होता है कि आपका जो भी मेंटेनेंस कैलोरी रहता है, मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर आपका मेंटेनेंस कैलोरी 2500 है तो उससे आपको कम खाना है। कम मतलब कम से कम 300 कैलोरी या 400 कैलोरीज आपको कम खाना है। जैसे 2500 आपका मेंटेनेंस कैलोरी है, वो आपको 2100 खाना है कैलोरीज या 2200 कैलोरीज खाना है। और कैलोरीज काउंट के लिए काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन आता है, वहाँ से आपका अपना कैलोरीज काउंट चेक कर सकते हैं। कैलोरीज काउंट में आपको अपना जेंडर, हाइट, एज, बॉडी वेट और अपना एक्टिविटी लेवल डाला रहता है, वहाँ पर आपका मेंटेनेंस कैलोरी आ जाएगा और उससे आपको 400 to 300 कैलोरीज कम खाना है और ग्रेजुअली उसको बढ़ाते जाना है और आपको रिजल्ट दिखेगा। तो अब आते हैं 4th पॉइंट में, जो कभी ना कभी सबके साथ होता ही ऐसा है, जो है कि अगर आपने कोई भी अपना पुराना जीन्स निकाल के पहना है या फिर कोई भी पुराना शर्ट पहन रहे हो तो वो लग रहा है आपको टाइट हो रहा है, मीन्स आपको लग रहा है खुद में कि आप मोटे हो गए।
तो आपने डिसाइड किया कि आप डाइटिंग करते हो। डाइटिंग का मतलब आपने बैठाया हुआ है कि पूरा खाना पीना छोड़ के बैठ जाना, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा करके आप कभी भी अपना बॉडी फैट या कोई फिटनेस गोल अचीव नहीं कर पाओगे। एक दिन दो दिन तक कर पाओगे, तीसरा दिन आप वापस पहले जैसा करने लग जाओगे। तो आप कोई भी अपना गोल अचीव करना है या फैट लॉस करना है, तो ये एक प्रोसेस है। इसको आपको पॉइंट ज़ीरो से लेके पॉइंट 50 तक, पॉइंट 60 तक, पॉइंट 70 या 100 तक पहुँचने में एक वक्त लगता है, एक टाइम ड्यूरेशन लगता है। 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना या फिर साल भर लगता है। तो ओवरनाइट या हफ्ता भर में कुछ भी खाना छोड़ के या कुछ एक्स्ट्रा करके आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब आते हैं फिफ्थ और लास्ट पॉइंट में, जो है कि फैट लॉस में क्या सप्लीमेंट इम्पॉर्टेंट है कि नहीं। तो इसका जवाब है हाँ और ना भी, ये आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि अगर आप विदाउट नॉलेज कुछ भी नेट से या फिर कहीं सुन के जाके कोई भी सप्लीमेंट ले आते हैं बाज़ार से और उसका प्रॉपरली यूज़ आपको नहीं आता, आप एक्सेस यूज़ कर लेते हो या कोई भी गलत वे में यूज़ कर लेते हो, तो साइड इफ़ेक्ट भी दिख सकता है। तो उससे अच्छा आप कहीं और इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जैसे कि आप प्रोटीन ले सकते हो या फिर आपका बजट हाई है तो आप एक प्रॉपर कोच हायर कर सकते हो, जो आपको डाइटेशन, आपको सप्लीमेंटेशन और वर्कआउट प्रॉपर गाइड कर देगा। तो मैं साथ में एक और टिप देना चाहूँगा, जो है कि आपका वाटर इंटेक बढ़ा ले, जिससे आपका बॉडी भी हाइड्रेटेड रहेगा और आप अगर ज़्यादा पानी पीते हो तो आपका मैक्सिमम टाइम पेट भी भर रहेगा, जिससे आपको खाने का कम मन करेगा। इससे भी आपका फैट लॉस में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सकता है। तो गाइज, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हुआ होगा और फैट लॉस में आपका काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है या क्वेरी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपका सारा डाउट और क्वेरी सॉल्व करने का कोशिश करूँगा। तब तक के लिए ड्रीम बिग, वर्क स्मार्ट।